सब्सक्राइब कीजिए रॉयल राजपूताना किचन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि लेटेस्ट रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं विजय सिंह और आज हम बनाने जा रहे हैं फूलगोभी का पराठा। फ्रेंड्स, फूलगोभी का पराठा हम बनाएंगे बिल्कुल डिलीशियस एवं लाजवाब, और इस पराठे के अंदर स्टफिंग पूरे पराठे में फैली हुई होगी। बहुत ही बढ़िया हमारा पराठा बनेगा। तो दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है ये 100 ग्राम गेहूं का आटा, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के लगभग अजवाइन। इसको हम क्रश करके डालेंगे, पराठे में बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। और अब हम इसका आटा लगाएंगे। तो दोस्तों, हमें आटा लगाना है सॉफ्ट, ज़्यादा टाइट हमें आटा नहीं लगाना है। जनरली हम पराठे बनाते हैं तो हमारी पराठे के अंदर से स्टफिंग निकल जाती है, तो आज दोस्तों मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके पराठे में पूरी स्टफिंग फैल जाएगी और आपका पराठा फटेगा भी नहीं और पराठा फूलेगा भी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका आटा लगा लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, सॉफ्ट आटा हमारा लगा है। तो अब हम इसको करीब 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और दोस्तों, ये मैंने लिया 100 ग्राम फूलगोभी जिसको हमें कसना है। तो ये देखिए, मैंने इसको कस लिया है और अब हमने गैस ऑन कर दी है, और हम एक पैन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ऑयल। फिर मैंने इसमें ऐड किया है जीरा, थोड़ा जीरा भुन जाए उसके बाद हम और मसाले ऐड करेंगे। तो हमारा जीरा भुन चुका है, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी अजवाइन। अजवाइन को हमें थोड़ा भूनना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और मैंने भी इसमें ऐड कर दी है हमारी गोभी। तो गोभी की हमें जो इसके अंदर पानी है उसको हमें वेपराइजेशन करना है, पानी में सुखाना है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी अदरक, थोड़ी हरी मिर्च और थोड़े प्याज। दोस्तों, पराठे में हमें सभी मसाले डालने हैं तभी हमारे पराठे में लाजवाब टेस्ट आएगा। फिर मैंने इसमें ऐड किया है ये धनिया पत्ती, और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ धनिया पाउडर। दोस्तों, फिर मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर, और फिर मैंने 1/4 टीस्पून के लगभग नमक ऐड किया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के लगभग चाट मसाला। दोस्तों, चाट मसाले से तो इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 पिंच के लगभग काली मिर्च पाउडर। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। दोस्तों, हमारी गोभी में से पानी की जो मात्रा थी वो उड़ने लग गई है, तो हमारा मसाला तैयार हो चुका है। गोभी की हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, हम इसके ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा आटा सेट हो चुका है। तो हम आटे को थोड़ा मल लेंगे। थोड़ा मैंने हाथ पे ऑयल लगाया है, और ऑयल से हम इस आटे को थोड़ा और चिकना कर लेंगे। दोस्तों, आटे में हमारी लचक आ जानी चाहिए, तभी हमारे आटे के अंदर स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी इक्वल साइज में बॉल्स बना लेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने इसकी बॉल्स बना ली है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सूखा आटा लिया है और मैंने एक बॉल्स ली है जिसको इस प्रकार से हमें गोल कर लेना है। थोड़ा हमें इसके ऊपर आटा लगाना है। तो ये देखिए, हमने इसके ऊपर आटा लगा लिया है। अब हम इसकी कटोरी बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों अंगूठों की सहायता से हमें कटोरी बनानी है। किनारों से हमें पतला और बीच से हमें मोटा रखना है ताकि हमारी स्टफिंग जो है बाहर ना निकले। और इस प्रकार से मैंने इसके अंदर स्टफिंग भर दी है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप इस ट्रिक से किसी भी प्रकार का पराठा बना सकते हैं। और ये देखिए, इस प्रकार से हमें इसको बंद कर लेना है, और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा है इसको हम तोड़ देंगे। दोस्तों, आपका पराठा फूलेगा भी और बहुत ही डिलीशियस इसमें टेस्ट आएगा। तो ये देख सकते हैं, हम इसको अब सूखे आटे में वापस लगा रहे हैं, और अब हमें इसको बेलना है। तो आप इस तरह देख सकते हैं, हमें बीच से थोड़ा दबाया है और फिर किनारों से हमें इसकी
दबा रहे हैं ताकि हमारी स्टफिंग पूरे पराठे में फैल जाए। दोस्तों वीडियोज़ को लाइक करते रहें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने इसकी स्टफिंग को पूरे पराठे में फैला दिया है और अब हम इसको बेल लेंगे। तो बेलने की ही इसमें ट्रिक है, जिसने पराठा बेलना सीख लिया वो आप किसी प्रकार से भी आप पराठे बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने बीच से और फिर किनारों से इसको दबाया है ताकि हमारी पराठे में स्टफिंग फैल जाए, और हाथ से ही मैंने इसको बड़ा कर लिया है। और ये देखिए आप इस प्रकार से आप बेलन को हमें चलाना है, किनारों से लेते हुए हमें इनको चलाना है, बीच से हमें नहीं चलाना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे चला रहा हूँ और बहुत ही बड़ा हमारा पराठा बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर से स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैं इसको बेलना है। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा मैंने इसको कर लिया, लेकिन अभी भी हमारी स्टफिंग इसके अंदर से नहीं निकली है। ये देखिए, तो इधर मैंने तवा गैस पे रख दिया था, गर्म हो चुका था हमारा तवा, तो मैंने इसको इसके ऊपर डाल दिया है। एक साइड से हमारा पराठा थोड़ा सिक जाए फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, और थोड़ा हमें ऑयल किनारों की तरफ भी डालना है। तो ये देखिए मैंने इसके किनारों की तरफ ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। तो हम अब इस साइड भी ऑयल लगा देंगे। दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध रेसिपियाँ और बहुत ही डिलीशियस सेम लाजवाब रेसिपियाँ मैं डाल चुका हूँ, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियोज को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों तक डिलीशियस रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन पहुँचे। तो ये देखिए पराठा मैंने दोनों तरफ से पलट के सेक लिया है, बहुत ही बढ़िया हमारे पराठे की लुकिंग आई है। तो ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो चुका है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं आपको इसको काट के दिखाऊंगा। पूरे पराठे के अंदर स्टफिंग हमारी फैल चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों कितना शानदार हमारा फूल गोभी का पराठा बना है, पूरे पराठे में स्टफिंग फैली है। इस प्रकार से आप पराठा बनाकर किसी को भी दोगे तो आप एक की जगह दो पराठे खाओगे। तो ये देखिए कितना शानदार हमारे पराठे की लुकिंग आई है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो मैं आपको दूसरा पराठा और बेल के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से हमें सूखे आटे में इसको लगा लेना है, फिर हमें इसकी कटोरी बना लेनी है। बीच से हमें मोटा रखना है, साइड से हमें किनारों से थोड़ा पतला रखना है ताकि जैसे ही हम इसको बेलें तो हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। फिर हम इसके अंदर स्टफिंग भर देंगे, और स्टफिंग मैं इसमें कोई कम नहीं डाल रहा हूँ, बहुत ही भर के मैंने इस अंदर स्टफिंग डाली है। इस प्रकार से हमें इसको अंगूठे से दबा देना है और फिर इसकी हमें हाथ से बंद करते हुए इसको बोल्स के आकार में बंद कर लेना है। एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो अब हम इसको वापस सूख के आटे में लगाएंगे और बीच से दबाते हुए किनारों से दबाते हुए हमें इसकी स्टफिंग को अंदर फैला लेनी है। तो ये देखिए मैं किस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको करना है, और इस स्टाइल से आप कोई सा भी पराठा स्टफिंग वाला बना सकते हैं। इस प्रकार से हमें इसको बेल लेना है। तो ये देख सकते हैं आप मैंने इसको कितना बड़ा बेल दिया है। तो हमारा पराठा बेल चुके हैं, हमारा तवा गर्म हो चुका है, तो मैं इसके ऊपर पराठा डाल देता हूँ। दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध रेसिपियाँ और बालूशाही, गुलाब जामुन, ये सभी रेसिपियाँ मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, वे रेसिपीज आप ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से मैंने इसके दोनों साइड पर ऑयल लगा दिया है, पराठा हमारा सिक चुका है, गैस मैंने बंद कर दी है और बहुत ही बढ़िया हमारे पराठे की लुकिंग आई है। तो मैंने इसको निकाल लिया है और मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी शानदार इस पराठे की भी लुकिंग आई है और पूरे पराठे में स्टफिंग फैली है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये रेसिपी बनाना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।